हरे कृष्णा। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का अर्थ है दिए की कतार, दिए की सुंदर कतार जो हमारे घरों के साथ साथ हमारे दिलों को भी रोशन और प्रसन्न कर देती है। दिए की रोशनी, ढेर सारे पटाखे और मिठाइयों के साथ साथ हम सभी माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? आप चाहते हैं, सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, किंतु प्रश्न तो ये है कि क्या हम सभी सही मायनों में माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर देती है? उदाहरण के लिए, हम जब भी किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो केवल हमारी संतुष्टि के लिए नहीं कि हमने पूजा कर ली है, बल्कि उन भगवान की संतुष्टि के लिए जिनकी हम पूजा करते हैं। जब देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तब वे क्या चाहती थी, उनके क्या भाव थे, उनका क्या उद्देश्य था? वे केवल अपने भगवान नारायण को चाहती थी। उन्होंने तुरंत ही भगवान नारायण से विवाह कर लिया। वे नारायण की सेवा करना चाहती थी, उनमें रम जाना चाहती थी। इसीलिए ही देवी लक्ष्मी का एक नाम है रमा। धन की देवी होते हुए भी वे सदैव देव भगवान नारायण की सेवा में ही रहती है। देवी लक्ष्मी का एक और नाम है श्री, और क्योंकि वे भगवान विष्णु में निवास करती है इसलिए भगवान विष्णु का एक और नाम है श्रीनिवास। श्रीनिवास अर्थात माता लक्ष्मी का निवास। जिस भी घर में, जिस भी स्थान में श्री श्री लक्ष्मी नारायण या श्री श्री राधा कृष्ण की पूजा होती है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी धन के साथ साथ ऐश्वर्य, सौंदर्य, यौवन, शक्ति, कीर्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सभी कुछ प्रदान करती है। किंतु हम भौतिक जगत के लोग धन की माया में इतने बह जाते हैं कि धन के अलावा इन सारी बातों को हम अनदेखी और अनसुनी कर देते हैं। और जिस स्थान पर केवल माता लक्ष्मी की ही अकेले पूजा होती है, वहाँ वे आती अवश्य ही है, किंतु चंचला स्वरूप में आती है और तुरंत ही चली जाती है, क्योंकि वे भगवान नारायण से कदापि दूर नहीं रह सकती है। और मानव इतिहास गवाह है कि रावण ने केवल सीता से प्रेम किया और भगवान राम से नहीं। सीता के साये को लेकर वो लंका की ओर तो निकल पड़ा, किंतु नतीजा तो ये हुआ कि भगवान राम के हाथों ही उसका सर्वनाश हुआ। महाराज अम्बरीश, भक्त प्रह्लाद, भक्त ध्रुव, ये सभी ऐसे महान नारायण के भक्त हैं जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रही है। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी ऐसे भक्तों के लिए चिंतित रहती है। भगवान श्री कृष्ण महारास के पूर्व जब गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए, तब गोपी गीत द्वारा गोपियों ने फिर एक बार श्री कृष्ण को प्रसन्न किया और अपने समक्ष प्रकट होने के लिए विवश किया। और उस गोपी गीत का सर्वप्रथम वाक्य ये है, जयति धिकम जन्मना व्रजह श्रयत इंदिरा शाश्वदत रही। अर्थात, हे प्रिय, हे श्री कृष्ण, आपके आगमन से, इस व्रज भूमि में आपके आगमन से माता इंदिरा यानी कि लक्ष्मी की कृपा इस धरती पर परिपूर्ण है, क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान नारायण जाते हैं देवी लक्ष्मी उनके पीछे चल पड़ती है। माता लक्ष्मी की कृपा का सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा। जब सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि आपको द्वारिकाधीश के पास जाना चाहिए, वे राजा है, आपके मित्र है, भगवान है, वे हमारी गरीबी में अवश्य ही कुछ सहायता करेंगे, तब सुदामा ने सोचा कि अपने मित्र से मिलने के लिए मैं ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकता। तब सुदामा की पत्नी ने पड़ाव से चावल मांगे, जिसे हम चिप्ड राइस या पोहा कहते हैं, एक पोटली में बांध कर सुदामा को दिए। ये सब है बड़ी ही लंबी कहानी, किंतु हम आपको संक्षेप में ही बताएंगे। द्वारिकाधीश ने सुदामा से कहा कि भाभी जी ने अवश्य ही मेरे लिए कोई भेंट दी होगी, जिसे कब से तुम इस पोटली में छुपा रहे हो। भगवान ने तो सुदामा के हाथों से पोटली छीन कर एक मुट्ठी चावल खा लिए। बस देवी रुक्मिणी तो ऐसे ऋणी हो गई सुदामा की कि इंद्रदेव जितना सुख देने के लिए वह विवश हो गई। इसीलिए द्वारिकाधीश जब दूसरी मुट्ठी चावल खाने जा रहे थे, तब स्वयं देवी रुक्मिणी ने उन्हें रोक लिया,
ये सोचकर कि कहीं स्वर्ग के सुख के साथ साथ मुझे वैकुंठ ना दे देना पड़े। तो ऐसे विवश हो जाती है, ऐसे ऋणी हो जाती है माता लक्ष्मी, जो प्रेम पूर्वक नारायण को जो भी भक्त कुछ अर्पण करता है, चाहे मार्गशीर्ष महीना हो या दीपावली हो या शरद पूर्णिमा हो, माता लक्ष्मी की यदि पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो उनकी पूजा, उनकी आराधना भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। फिर से एक बार आप सभी को शुभ दीपावली। हरे कृष्णा।